हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 60। तो बेटे, ये 12वीं यूनिट का 60वां वीडियो है और इससे पहले 59 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, समावयवता। बच्चे इस टॉपिक को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और आज हम इसे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इजी वे में समझेंगे कि समावयवता या आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है और समावयवता कितने प्रकार की होती है। उन सभी प्रकार की समावयवता को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, आप हिंदी में भी लिख लो समावयवता और इंग्लिश में भी लिख लो आइसोमेरिज्म, पोज करके लिख लो, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है समावयवता। समावयवता का क्या मतलब होता है बहुत ध्यान से समझेंगे सब। मान लो आपके पास दो ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो हैं एक जैसे, पर उनके भौतिक गुण अलग हैं या फिर उनके रासायनिक गुण अलग हैं या फिर उनकी संरचना अलग है और या फिर उनका अभिविन्यास अलग है। तो यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे होते हैं, अर्थात समान होते हैं, पर उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या संरचना या अभिविन्यास अलग-अलग तरह का होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं समावयवी, एक दूसरे के समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये जो ऊपर परिभाषा लिखी हुई है इसकी तरफ अभी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहां एक यौगिक लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, ये एल्कोहल है और ये है दो कार्बन वाला एल्कोहल, इसे आप कह सकते हो इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल है। और एक यौगिक यहां लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है ईथर, क्योंकि इसमें बीच में ऑक्सीजन आया है तो ईथर है, और ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। अब देखो आपको समझना क्या है, इन दोनों का अणुसूत्र चेक करते हैं कि इनका अणुसूत्र क्या होगा। इसमें कार्बन कितने हैं? एक दो, इसमें भी कार्बन एक दो, तो कार्बन तो इनमें दो दो हैं। हाइड्रोजन देखो, तीन और दो पांच और एक छह, तीन और तीन छह, हाइड्रोजन दोनों में छह हैं। ऑक्सीजन चेक करो, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक है। तो ये जो हमने नीचे लिखा है ये है अणुसूत्र। तो इन दोनों यौगिकों की खासियत यह है कि इन दोनों के अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है। इसका भी अणुसूत्र C2H6O है और इसका भी अणुसूत्र C2H6O है। तो जब दोनों यौगिकों के अणुसूत्र एक जैसे हैं पर इनके संरचना अलग-अलग तरह की है, देखो इसमें कौन सा ग्रुप है? OH एल्कोहल ग्रुप, और इसमें कौन सा ग्रुप है? ईथर। तो इनके अणुसूत्र तो दोनों के एक जैसे हैं पर इनकी संरचना अलग अलग तरह की है, और जब इनकी संरचना अलग अलग तरह की है तो इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग तरह के होंगे, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और इसमें ईथर है। ये तो एल्कोहल वाले गुण दिखाएगा रासायनिक गुण और ये दिखाएगा ईथर वाले रासायनिक गुण। तो इन दोनों यौगिकों को मैं कहूंगा कि ये दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर हैं। समावयवी का मतलब होता है जिनमें समान अवयव हो। देखो इसमें कार्बन कितने हैं? दो, तो इसमें भी कार्बन दो हैं, तो एक अवयव तो समान हो गया। अवयव माने हिस्सा, भाग, पार्ट।
इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? छह हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन छह हैं, तो दूसरा अवयव भी इनका समान है। इसमें ऑक्सीजन एक है, तो इसमें भी ऑक्सीजन एक ही है, तो तीसरा अवयव भी इन दोनों का समान है। तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक, यहां तो हमने दो ही यौगिक लिए हैं, पर दो से अधिक यौगिक भी ऐसे हो सकते हैं जिनके अणुसूत्र एक जैसे हों पर उनके भौतिक गुण अलग हों, या रासायनिक गुण अलग हों, या फिर संरचना अलग हो, या फिर अभिविन्यास अलग हो। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के समावयवी हैं, और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। ये जो परिभाषा ऊपर लिखी हुई है ना, ये यही बात है जो मैं बोल रहा हूं। आप पोज करके लिख लो, आप पूरी बात लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे अब हम बात करेंगे कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। यहां लिखा हुआ है प्रकार में कि समावयवता होती है दो प्रकार की। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है समावयवता। पहली तो होती है संरचना समावयवता, संरचना समावयवता, या इंग्लिश में आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। ठीक है, या इंग्लिश में आप कह सकते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास समावयवता का इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संरचना समावयवता, या इसे आप संरचनात्मक समावयवता भी कह सकते हो, और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। तो हम पहले बात करते हैं संरचना समावयवता की। तो बेटे ये जो हमारी समावयवता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की है, संरचना और त्रिविम समावयवता। फिर हमने बात करी कि संरचना समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। देखो, आपको हर एक समावयवता को उसके नाम से ही पहचानना है। संरचना समावयवता में क्या होगा? संरचना अलग अलग होगी यौगिकों की। सुन लो दोबारे इस बात को बहुत ध्यान से। किसी भी समावयवता को आपको पहचानना है तो आपको ये देखना है कि उसका नाम क्या है। संरचना समावयवता से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो समावयवी होंगे उनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होगी। तो यदि कोई मुझसे पूछेगा कि संरचना समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो मेरा उत्तर होगा कि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो हैं समान, पर उनकी संरचनाएं हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे संरचना समावयवी एक दूसरे के, और इस घटना को हम कहेंगे संरचना समावयवता। देखो समझ में आई या नहीं आई बात? देखो यहां जो परिभाषा है उसमें यही लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना अलग अलग होती है या अलग अलग प्रकार की होती है, तो ऐसे यौगिक संरचना समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना संरचना समावयवता कहलाती है। तो संरचना समावयवता नाम है, नाम से ही मुझे पता चल चुका है कि इसमें यौगिकों की संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होंगी। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि संरचना समावयवता पांच प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि संरचना समावयवता कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। पहली श्रृंखला समावयवता, यानी चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की होगी। अणु सूत्र तो सारे समावयवियों का एक जैसा ही होता है। इसमें श्रृंखला समावयवता में क्या भिन्नता होगी? यौगिकों की श्रृंखला में भिन्नता होगी, श्रृंखला अलग अलग प्रकार की होगी। तो संरचना समावयवता पांच प्रकार की जो होती है, उन पांचों के नाम आपको बताने चाहिए। नंबर एक श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। नंबर दो स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता में क्या अलग होगा? क्रियात्मक समूह का स्थान अलग होगा। नंबर तीन क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या अलग होगा? क्रियात्मक समूह अलग होगा दोनों यौगिकों में। नंबर चार मध्यावयवता या मेटामेरिज्म, इसे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। नंबर पांच चलावयवता या टॉटोमेरिज्म। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि संरचना समावयवता या संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है पांच प्रकार की होती है, और पांचों के नाम आपको इसी सीक्वेंस में नाम याद होने चाहिए। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। ठीक है,
जल्दी से पॉज करके लिखो, इन सबको ही डिस्कस करना है हमें पांचों को आज। जल्दी से पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे सबसे पहले नंबर पर हमें पढ़ना है श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। इसकी क्या खासियत होगी देखो, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक कार्बन है और फिर दूसरा कार्बन है CH2, फिर तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन। ये मैंने एक यौगिक बनाया है चार कार्बन परमाणुओं से बना हुआ। क्या है ये? चार कार्बन परमाणु हैं, सिंगल बॉन्ड है। चार कार्बन को आप कहते हो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये ब्यूटेन है। और इसे देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां जोड़ दिया CH3। तो इसमें भी तो चार ही कार्बन है, तो आप इसे भी ब्यूटेन कहोगे। मैं पूछूंगा आपको कि दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है, तो आप कहोगे कि यार सीधी श्रृंखला है सर, सीधी श्रृंखला है, तो इसका मतलब इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें एक तरफ को ब्रांच निकली हुई है, इसे आप कहोगे कि सर ये है आइसो ब्यूटेन। तो आप नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का अणु सूत्र चेक करो, दोनों का एक जैसा है क्या? कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 कार्बन तो दोनों में चार हैं। हाइड्रोजन देखो, 3 और 3, 6 और 4, 10। 3 3 या 9 और 1, 10। हाइड्रोजन दोनों में कितने हैं? 10। बस और तो कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों यौगिकों की खासियत यह है कि इनका अणु सूत्र तो है एक जैसा, पर इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की है। हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रृंखला समावयवता। तो इनमें क्या है, श्रृंखला अलग अलग तरह की है। ये तो है सीधी श्रृंखला और ये है वन साइडेड ब्रांच वाली श्रृंखला, एक तरफ शाखा निकली हुई श्रृंखला। तो इनका अणु सूत्र एक जैसा है और श्रृंखलाएं कार्बन परमाणुओं की अलग अलग प्रकार की हैं, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। और इस गुण को जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, श्रृंखला अलग अलग तरह की है, इस गुण को मैं कहूंगा कि ये है श्रृंखला समावयवता, या इस घटना को मैं कहूंगा श्रृंखला समावयवता। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो एक जैसे हो, पर उनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता के आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, कोई सा भी एल्केन उठा लेना आप, पर शर्त यह है कि श्रृंखला समावयवता कम से कम दिखाने के लिए कम से कम चार कार्बन परमाणु एल्केन में होने चाहिए। ये बहुत काम की बात है, जल्दी से पोज करके लिखो, मैं बताता हूं और भी बहुत काम की बात आपको। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, श्रृंखला समावयवता दिखाने के लिए एल्केन में कम से कम चार कार्बन परमाणु होने चाहिए, यानी चार कार्बन परमाणु वाला एल्केन होता है ब्यूटेन। एल्केन तो पता है आपको, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यदि आपको श्रृंखला समावयवता देखनी है एल्केन में, तो कम से कम आपको ब्यूटेन चाहिए, क्योंकि चार कार्बन ब्यूटेन में होते हैं। और ये बात भी आप ध्यान रखोगे, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ब्यूटेन के श्रृंखला समावयवी बनते हैं दो, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है थोड़ी देर पहले। पेंटेन के बनते हैं 3 श्रृंखला समावयवी, और हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के श्रृंखला समावयवियों की संख्या होती है 18। ऑक्टेन माने 8 कार्बन वाला एल्केन, और डेकेन माने 10 कार्बन वाले एल्केन के कुल 75 प्रकार के श्रृंखला समावयवी बनते हैं। थोड़ा सा ये डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, पोज करके लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे स्थान समावयवता की या पोजीशन आइसोमेरिज्म की। इससे पहले हमने पढ़ा है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या अंतर था, यौगिकों में क्या अंतर था श्रृंखला समावयवता में? तो आप कहोगे कि सर श्रृंखला समावयवता में यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं श्रृंखला समावयवी, और इस घटना को या इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। अब हमारे पास हेडिंग है स्थान समावयवता।
स्थान समावयवता में क्या होता है कि यौगिकों के अणुसूत्र तो होते हैं एक जैसे, और उनमें जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो भी एक जैसा ही होता है, पर ध्यान से सुनना, उस क्रियात्मक समूह का स्थान अलग-अलग होता है, इसीलिए उन यौगिकों को हम कहते हैं स्थान समावयवी और इस घटना को हम कहते हैं स्थान समावयवता। तो स्थान समावयवता में क्या होगा, स्थान अलग अलग होगा क्रियात्मक समूह का। देखो जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OH। एक तो यौगिक ये है, आपको बताएं नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और पहले ही कार्बन पर OH है, वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल है इसका नाम, ठीक है। कुछ बच्चे लिखते हैं वन प्रोपेनॉल या कुछ लिखते हैं प्रोपेनॉल वन, पर सबसे अच्छा नाम यही है जो मैंने यहां लिखा है। और अब इसे देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां बीच में OH जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग या तो लेफ्ट से करोगे या तो राइट से करोगे। दूसरे कार्बन पर OH है, प्रोपेनॉल तो ये भी है और प्रोपेनॉल तो ये भी है, इसे आप IUPAC में कहोगे प्रोपेन, कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर OH, टू ऑल। तो मुझे यूं बताओ कि इनका अणुसूत्र एक जैसा है क्या, अणुसूत्र देखते हैं, कार्बन देखेंगे कितने हैं, एक दो तीन, और इसमें भी एक दो तीन, तीन कार्बन हैं। हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं, तीन और दो पांच, और दो सात, और एक आठ, ठीक है। ये देखो तीन और तीन छह, और एक सात, और एक आठ, हाइड्रोजन आठ है, और ऑक्सीजन इसमें भी एक है इसमें भी एक है, ऑक्सीजन एक बना दो। तो इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र तो एक जैसा है और इनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी एक जैसा है, देखो यहां भी OH है और यहां भी OH है, पर उस क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग है। यहां तो क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, पहले स्थान पर कार्बन के, और यहां क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है दूसरे स्थान पर। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे हों और उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी एक जैसा हो, पर उस क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं, और इस घटना को हम कहते हैं स्थान समावयवता, ठीक है, या पोजीशन आइसोमेरिज्म। जरूरी नहीं कि ये गुण आपको केवल OH क्रियात्मक समूह में ही देखने को मिलेगा, किसी भी क्रियात्मक समूह में मिल सकता है देखने को, बस क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होना चाहिए, अलग अलग। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगली समावयवता पढ़ते हैं हम। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बेटे क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका कुछ बुक्स में नाम लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आप दोनों में से किसी भी नाम से लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो यौगिक हम देखेंगे उन यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे होंगे, सभी समावयवता में यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे ही होते हैं, इसमें तो कोई सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, अणुसूत्र तो होंगे एक जैसे, नाम है क्रियात्मक समावयवता, तो अंतर किसका आएगा, क्रियात्मक समूह का। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे हों यानी समान हो, पर उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार का हो, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी, जिनमें क्या अलग होता है, क्रियात्मक समूह, और इस घटना को हम कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। देखो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दो कार्बन वाला एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल, ठीक है। IUPAC में नाम लिखना चाहते हो तो इथेनॉल, और इसे देखो जरा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दो कार्बन वाला ईथर, मिथाइल मिथाइल ईथर, या आप इसे कह सकते हो मिथाइल मिथाइल दो बार ना लिखकर डाई मिथाइल ईथर, ये है डाई मिथाइल ईथर। इन दोनों के अणुसूत्र चेक करो आप, एक जैसे हैं क्या, कार्बन देखो कितने हैं, एक दो, इसमें भी दो ही है, कार्बन तो दो हैं, हाइड्रोजन चेक करो
तीन और दो पांच और एक छह, तीन और तीन छह, ऑक्सीजन चेक करो, एक है यहां भी एक है। तो इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र तो एक जैसा है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे हों, पर उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार का हो। जैसे यहां क्रियात्मक समूह क्या है, OH, और यहां क्रियात्मक समूह क्या है, O। तो इन दोनों में क्रियात्मक समूह ही तो अलग अलग प्रकार का है, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। क्या है, क्रियात्मक समावयवी, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह का अंतर आया है, और इस घटना को हम कहेंगे क्रियात्मक समावयवता या क्रियात्मक समूह समावयवता। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली समावयवता देखते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर चार पर हमें पढ़ना है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र तो है एक जैसा। भाई अणुसूत्र तो सबका एक जैसा ही होगा, जितने भी समावयवी होंगे या जितनी भी समावयवता आप पढ़ोगे, अणुसूत्र तो हमेशा समान ही रहता है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र तो एक जैसा हो और उनमें बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह, बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह से तात्पर्य है ऐसा क्रियात्मक समूह जो कार्बन परमाणुओं के बीच में फंसता हो, जैसे ईथर का ऑक्सीजन कार्बन परमाणुओं के बीच में फंसता है, जैसे CO कीटोन ग्रुप कार्बन परमाणुओं के बीच में फंसता है, ठीक है, जैसे आपका NH ग्रुप है वो भी कार्बन परमाणुओं के बीच में ही फंसता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो हों एक जैसे और उनमें बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह भी एक जैसा हो, पर उस क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो दोनों यौगिकों में, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के मध्यावयवी हैं, और इस घटना को हम कहते हैं मध्यावयवता। पर बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, एक एग्जांपल लेता हूं। चलो देखो जरा ध्यान से, मैं आपको कह रहा कि मेरे पास है CH3O, CH2, CH2, CH3। इस कंपाउंड को देखो आप, ईथर है ना, देखो ऑक्सीजन बीच में आ रहा तो ईथर है, ये तो मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। इसका नाम लिखोगे आप मिथाइल, M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये लिख दिया मैंने इसका नाम। अब एक दूसरा कंपाउंड देखता हूं, देखो बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह ऐसा होता है कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा, एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये भी क्या है, ये भी ईथर ही है, इसमें भी क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन बीच में आ रहा, ये है इधर भी इथाइल दो कार्बन और उधर भी इथाइल दो कार्बन, इसे आप कह सकते हो डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इनका जरा एक बार अणुसूत्र चेक कर लेते हैं, कार्बन देखो कितने हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार कार्बन है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, तीन और दो पांच, तीन और तीन छः और चार दस, तीन और तीन छः और चार दस, दस हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इसमें भी एक है इसमें भी एक, तो अणुसूत्र तो एक जैसा हुआ। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो, उनमें बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह भी समान हो, पर उस बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, तो बच्चे सोचते हैं कि सर इधर तो इसमें कितने हैं, एक कार्बन, और इस तरफ है तीन, पर इसमें इधर दो हैं और इधर भी दो हैं, ऐसे नहीं सोचना आपको बिल्कुल भी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या जब आपको तुलना करनी है कंपैरिजन, तो इसके लेफ्ट में देखो और इसके भी लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में कितने हैं, एक कार्बन, जबकि इसके लेफ्ट में कितने हैं, दो कार्बन। अंतर आया या नहीं आया, आपको एक ही यौगिक के लेफ्ट और राइट को नहीं देखना है, आपको एक यौगिक के साथ लेफ्ट में दूसरे यौगिक के साथ लेफ्ट में देखना है। समझ में आ रही ना बात, इसके लेफ्ट में एक कार्बन है जबकि इसके लेफ्ट में दो कार्बन है, इसके राइट में तीन कार्बन है जबकि इसके राइट में दो कार्बन है, तो
तो दोनों के लेफ्ट साइड में भी अंतर आया और दोनों के राइट साइड में भी अंतर आया। तो मध्य में आने वाले क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दोनों यौगिकों में अलग-अलग है। मध्य में आने वाले क्रियात्मक समूह के दोनों ओर, इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के मध्यावयवी हैं और इस घटना को हम कहते हैं मध्यावयवता। मध्य में आने वाला अवयव, बीच में आने वाला अवयव अंतर पैदा कर रहा है दोनों यौगिकों में। अब यहां जो तेज दिमाग वाले बच्चे हैं उनके माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने मध्यावयवता बताई है ये स्थान बदल रहा है क्रियात्मक समूह। बिल्कुल स्थान बदल रहा है और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि मध्यावयवता एक प्रकार की स्थान समावयवता ही होती है। ध्यान रखना इस चीज को, स्थान बदल रहा ना क्रियात्मक समूह। स्थान समावयवता में मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो एक जैसे हों और उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी एक जैसा हो, पर उस क्रियात्मक समूह का स्थान अलग-अलग हो दोनों यौगिकों में, तो दोनों यौगिकों को कहते हैं एक दूसरे के स्थान समावयवी और इस घटना को कहते हैं स्थान समावयवता। तो ध्यान रखना कि ये जो मध्यावयवता है ना, मध्यावयवता मध्यावयवता एक प्रकार की, मध्यावयवता एक प्रकार की क्या होती है, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता ही होती है। मतलब कहने की बात यह है कि जितने भी मध्यावयवी हैं वे सारे स्थान समावयवी ही हैं, पर जितने भी स्थान समावयवी हैं वे सारे मध्यावयवी नहीं होंगे, क्योंकि स्थान समावयवता तो ऐसे ग्रुप भी दिखाएंगे जो कार्बन परमाणुओं के मध्य में नहीं एडजस्ट करते हैं, वे भी तो दिखाएंगे स्थान समावयवता। तो सारे मध्यावयवी आप स्थान समावयवी उन्हें मान सकते हो, पर सारे स्थान समावयवियों को मध्यावयवी नहीं मान सकते। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करते हैं हम। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, अब हम नंबर 5 पर बात करेंगे बेटे, चलावयवता की या टोटोमेरिज्म की। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा आपके। मान लो आपके पास दो क्रियात्मक समावयवी हैं और वे ऐसे हैं कि एक दूसरे में बदलते हैं, पहला समावयवी दूसरे में बदल जाता है और दूसरा पहले में बदल जाता है। तो जब दो क्रियात्मक समावयवी एक दूसरे में बदलते रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं चलावयवी। चलावयवी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें चलने का गुण हो या बदलने का गुण हो उन्हें हम कहते हैं चलावयवी। किन्हें? ऐसे क्रियात्मक समावयवियों को जो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, और इस घटना को हम कहते हैं चलावयवता। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कीटो इनोल चलावयवता। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हमारे पास ये CH3 है और यहाँ है ये कार्बन और ये कीटो फॉर्म है, तो कीटोन ग्रुप इसमें आना चाहिए, CO, और ये है CH3। देखो ध्यान से समझना, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें कीटोन है। ये क्या होता है इसमें कि ये इनॉल फॉर्म में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है देखो मैं बताता हूं। क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन तो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और जब वहां OH बन गया तो फिर दो बॉन्ड की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसमें से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां और यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो यहां से हाइड्रोजन गया तो क्या बचा, यहाँ CH2, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन है, और ऊपर यहां बन गया सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 है ही। इस फॉर्म की खासियत यह है कि इसमें इन है, इन माने डबल बॉन्ड, और ओएल माने अल्कोहल, तो ओएल माने अल्कोहल, तो इसलिए इसे कहते हैं इनॉल फॉर्म। इन माने इन तो डबल बॉन्ड से लिया, ऑल लिया अल्कोहल से। अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड फिर दोबारा वहां चला जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम फिर दोबारा यहां आ जाएगा, फिर ये रूप बन जाएगा। तो दोनों रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं चलावयवी और इस घटना को हम कहते हैं चलावयवता। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है, अब लेते हैं बेटे एक फास्ट रिवीजन। ध्यान से समझना बिल्कुल क्या क्या चीज अब तक हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था श्रृंखला समावयवता, यहां हम देखेंगे कि क्या चीज समान है और क्या चीज भिन्न है।
श्रृंखला समावयवता में अणुसूत्र तो होता है एक जैसा यौगिकों का, पर क्या भिन्नता होती है? कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की होती है। फिर हमने पढ़ा स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में यौगिकों का अणुसूत्र एक जैसा होता है, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, पर क्या अलग होता है? क्रियात्मक समूह का स्थान, इसीलिए हम कहते हैं स्थान समावयवता। तीसरा हमने पढ़ा क्रियात्मक समावयवता, इसमें क्या पढ़ा हमने कि अणुसूत्र तो यौगिकों का एक जैसा होगा, पर अलग अलग क्या होगा? उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या समानता होती है? अणुसूत्र एक जैसा होता है और बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, पर अंतर क्या होता है? बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर 5 पर चलावयवता। चलावयवता में यौगिकों का अणुसूत्र एक जैसा होता है, पर जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग होते हैं और क्रियात्मक समूह एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा। आज हमारा मेन फोकस रहा है समावयवता के पहले पार्ट, संरचनात्मक समावयवता या संरचना समावयवता पर। हमने पढ़ा कि संरचना समावयवता 5 प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार, और पांचों प्रकार हमने पढ़ लिए डिटेल में। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।